तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वहाँ के लोग, वहाँ की न्यू जनरेशन यूथ अगर अब अपने करियर पे फोकस करे और गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, सपोर्ट ना भी करे, अगर न्यूट्रल रह के भी काम करें, अपने करियर पे फोकस रहें, तो आपको क्या लगता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी? अपॉर्चुनिटीज़ तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं है। 45 साल में इतनी ज़्यादा कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहा इस देश में। तो अगर बाकी देश में नौजवानों के पास नौकरियाँ नहीं हैं और वो डंडे और तलवारें लेके सड़क पे घूम रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं, और लगातार वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, तो कश्मीर की तो हम बात क्या कर सकते हैं। पहले मुल्क में ऐसे हालात होने चाहिए, इकॉनमी आपकी स्टेबल होनी चाहिए जो जॉब्स प्रोवाइड करें। जॉब्स तो प्रोवाइड हमारा देश कर ही नहीं रहा है। 2 करोड़ की बात थी, यहाँ तो 2 लाख जॉब्स प्रोवाइड नहीं हो रही है।